हाय गाइस, आई होप आप लोगों ने मेरे पिछले वाले व्लॉग्स देख लिए होंगे और आपको काफी पसंद भी आए होंगे। एंड ये जो व्लॉग है वो स्पेशली डेडिकेटेड है वाघा बॉर्डर के लिए। चलो पहले वहां तक जाना कैसे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हाँ जी भैया, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भैया, हमें वाघा बॉर्डर जाना है तो जी। उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? वाघा बॉर्डर आप हमारे पास शेयरिंग में भी ऑप्शन, पर्सनल भी है। आप शेयरिंग में जाना चाहो शेयरिंग में जा सकते हो, पर्सनल जाना चाहो पर्सनल जा सकते हो। आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। वाघा बॉर्डर घूमने के लिए इसमें साइट सीन वगैरह होते हैं, पूरा जो अमृतसर के साइड सीन है जैसे दुर्गा टेंपल, वैष्णो टेंपल, खालसा कॉलेज, इंडिया गेट और वाघा बॉर्डर प्लस, ये सब चीजें घुमा के हम लेते हैं शेयरिंग में। अच्छा, मल्टीपल छह चीजें घूम। जी 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 जी, तो शेयरिंग में आप जाना चाहो शेयरिंग वाला भी ऑप्शन है हमारे पास, पर्सनल वाला भी है। जी जी, लेके जाएंगे लेके आएंगे, कोई वेटिंग चार्ज नहीं है हमारा, कोई पार्किंग नहीं, कोई टोल नहीं होता, इंक्लूड होता है सब। जी ठीक है भैया, तो बसेस भी जाती है ना, उसका क्या सीन है? जी, जो बसेस जाती है उसका 480 होता है, वो उसका घुमाने का उसका 480 पर पर्सन होता है आने जाने का। हमारा पार्टीशन म्यूजियम के पास है वीकेंड पॉइंट। अच्छा, ये पार्टीशन म्यूजियम काफी फेमस है यहाँ पे, वन ऑफ द बेस्ट, एंड यहीं पर इनकी बुकिंग होती है। भैया एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। 7529838990। ठीक है, अगर किसी को भी यहाँ पे आना है, आने से पहले भी बुकिंग करनी, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकता है और बिल्कुल यहाँ पे बुक ले सकता है। और हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं तो आपको आगे ब्लॉग में भी पता चल जाएगा कि इनकी सर्विस कैसी रहती है, तो डेफिनेटली आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली हम चले वाघा बॉर्डर। अभी हम आए हैं यहाँ पे दुर्गियाना टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है अमृतसर में। अगर आप अमृतसर आ रहे हो दो दिन के लिए तो डेफिनेटली इसको कवर करना मत भूलना। पाकिस्तान जो बॉर्डर है, जहाँ से आपको ये बोर्ड मिलेगा वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे आपको इस तरीके के रिक्शे वगैरह मिल जाएंगे अगर आपको पैदल नहीं जाना, अदरवाइज तो जनरली जनता यहाँ से पैदल ही जाती है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, मतलब बहुत ही परफेक्ट उसमें आए हैं हम लोग। एंड सी, मैंने बोला था ना कि पैदल भी जाते हैं काफ़ी लोग, तो ये देखो एंटायर जनता। अरे भैया गर्मा गर्म पॉपकॉर्न लेके जाओ, 7 बजे तक बैठना पड़ेगा। पीने का सामान साथ लेकर जाए। धन्यवाद यार, आ गए। बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, तो प्लीज जो है जैसे भी आओ बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, टैक्सी वैक्सी करके आना। काफी दूर है, काफी दूर है, काफी दूर है, बट मस्त है। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, थैंकफुली हमारे साथ तो बहुत अच्छी चीज हो गई कि मौसम इतना मस्त हो गया है ना, कि गर्मी एकदम खूब अंदर हो गई है। और ये मेन एंट्रेंस के पास इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज्यादा, मतलब पहले से कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन था, कुछ लोगों का नहीं था, तो जैसे तैसे करके हम अंदर पहुंचे। फाइनली हम पहुंच गए थे वाघा बॉर्डर, और यहाँ पर पूरा सेटल होने का टाइम दिया जाता है, तो इसीलिए अभी वेटिंग टाइम चल रहा है। जैसे सब लोग सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद इनकी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। और यही वो गेट था जिसकी दूसरी साइड पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इतने देशभक्ति के गाने होते हैं ना कि पूरा समा बन जाता है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं। यार यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2:30 बजे से सिटिंग स्टार्ट हो जाती है और 2-2.5 घंटे यहाँ पे सिटिंग में ही लगता है। एक साइड अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे पाकिस्तान के सारे लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, और इस साइड इंडिया के सारे लोग हैं, इस साइड पाकिस्तान के सारे लोग हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे देशभक्ति के प्यारे से गाने चल रहे हैं, एंड भीड़ बहुत ज्यादा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टिकट्स है, VIP टिकट्स भी है, नॉर्मल कोटे वाली भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली टिकट भी है। एंड डोंट वरी, कोई जरूरत नहीं है VIP टिकट्स लेने की, क्योंकि सबको सेम और अच्छी सीट मिलती है। बट दिस मोमेंट इज सो मेमोरेबल, बहुत इंजॉयबल है, मतलब टिपिकल जिसे कहते हैं ना यार, देश देशभक्ति वाली फील है यहाँ पे, इट्स वेरी नाइस। अब बाकी हम देखते हैं जब स्टार्ट होगा तो हमें कैसा लगेगा, बट अभी तक तो बहुत ही अच्छा माहौल है।
और ये हम उन सारी देशभक्ति के गानों पे मस्त इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे हमारे साथ साथ बाकी लोग भी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। यार हमारे साथ ना एक बहुत बड़ा कांड हो गया। सो यहाँ पर ना अंदर चिप्स आइसक्रीम्स पानी वगैरह देने के लिए काफी लोग आते हैं, तो हमने ना यहाँ पे एक आइसक्रीम ले ली थी जॉइंट दोनों के लिए एक, और फिर हमें पता चला कि हमारे पास यहाँ पर कैश है ही नहीं। और ये जो पूरा वाघा बॉर्डर वाला एरिया है ना, यहाँ पर सारे नेटवर्क सील होते हैं, कोई भी आप कॉल नहीं कर सकते, कोई इंटरनेट नहीं चलेगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ ऑनलाइन भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमारे पास 10 रुपए भी कैश नहीं था, तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो फिर उन्होंने हमें ऐसे ही दे दी आइसक्रीम और बोला कि ठीक है आप घर जाके ट्रांसफर कर देना पैसे। और अगर आप यहाँ पे फ्रंट रो में आगे देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी ये अंकल टाइप लोग है ना, वो लोग तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, उनको इतना मजा आ रहा था, पूरे टाइम बस डांस कर रहे थे और अपना झंडा दिखा रहे थे। और फिर इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें कि ऑडियंस में से काफी सारी लेडीज उतर के आई थी, और फिर वो सारे झंडे को लेके ऐसे रन कर रही थी। आप अगर देखोगे ना, तो आप देखना कि यहाँ पे पीछे कितनी लंबी लेडीज की लाइन लगी हुई है, और सब लोग एक एक करके भाग रहे थे और बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि इतना लाउड म्यूजिक और उसमें अपने देश का झंडा लेके वो इतना गर्व से दौड़ रही थी, और काफी ओल्ड ओल्ड लेडीज भी थी, उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना वो देखने लायक थी। मैं थोड़ा सा, मेरे पैर में चोट लगी हुई थी इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी, अदरवाइज मैं भी डेफिनेटली इस एक्टिविटी में जरूर पार्ट लेती, बहुत मजा आ रहा था मुझे उन सबको देख के ही। और उसके बाद ऑडियंस की ऑलमोस्ट सारी लेडीज ने उतर कर इतना जम के डांस किया था, कम से कम 1.5 घंटा, 1.5 घंटा उन सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। और देखो जो स्टार्टिंग में हम आए थे, तो सामने का स्टेडियम कितना खाली लग रहा था, और अब देखो पूरी तरीके से कितना भर चुका है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि ये लोग 2 से 2.5 घंटा देते हैं पूरा सेटल डाउन होने के लिए, 2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो एकदम फुल हो जाता है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो गेट के उस साइड ना पाकिस्तान की भी रिट्रीट चल रही है, पूरा म्यूजिक जैसे यहाँ शो हो रहा है ना, वैसे उस साइड भी पूरी तरीके से शो हो रहा है। और फिर रिट्रीट के एंड में जो गेट है वो ओपन कर दिया जाता है, और उस पे जो हूटिंग होती है और जो देखने वाला सीन होता है ना, उसके बाद दोनों देशों का झंडा नीचे लाया जाता है। और देखने वाली चीज ये होती है कि किसी भी देश का झंडा 1 सेंटीमीटर भी कम नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों का बिल्कुल बराबर नीचे होना चाहिए। दिस वॉज ऑल अप फॉर दिस व्लॉग, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।